सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत, जो कि हमने कुछ डिस्कस किया था कल प्रतिशत के बारे में। तो उसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिशत से और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हम लोग जो पिछले साल पूछे गए हैं सवाल उससे कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग वो सीख लेते, देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल। तो पहली चीज़ तो मैंने पढ़ा था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और दूसरी चीज़ मैंने सीखा था भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तीसरी चीज़ हमने क्या सीखा था, कितने प्रतिशत होगा या कितना होगा, यही चीज़ सीखा था ना। आज हम लोग इससे रिलेटेड पहले एक तो या तीन जो भी हैं हमारे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद इससे जो आखिरी लास्ट टॉपिक हमारा होता है वो क्लियर करेंगे, बस हमारा प्रतिशत एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जितने आज क्वेश्चन हैं सब पिछले साल पूछे जा चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन 750 का 4% कितना होगा, 4% कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, क्या 750 का 4% कितना होगा, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा, तो का के स्थान पर लगाया गुणा 750, तो 750 चार तो चार, प्रतिशत का मतलब बटे का 100, 0 काट दिया। अब इसको काटेंगे 5 से, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा 25, 50 हो गया 25, 5 दुनी 10, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 15 दुना कितना हो गया 30। ये मेरा आंसर। अब आंसर भी लेते हैं, क्या मेरा 30 आता है, जी बिल्कुल मेरा आंसर 30 रुपये आ रहा है, तो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताया था वही अप्लाई कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि बेटा बेसिक क्लास आपको मिस नहीं करनी है, अगर आप बेसिक क्लास मिस कर जाओगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है रुपये 150 का 12% कितना होगा, ये भी 2015 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा, रुपये 150 का, अगला क्वेश्चन है हमारा रुपये 150 का 12% कितना होगा, 12% कितना होगा। अब क्या करेंगे, कितने रुपये 150, का मतलब गुणा, 12 का मतलब 12, प्रतिशत का मतलब बटे का 100, 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे, 5 से एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 3 15, 5 दुनी 10, 2 एकम 2, 2 छन 12, 6 3 कितना हो गया 18 रुपये। अब देखते हैं क्या मेरा 18 रुपये आंसर आता है, जी बिल्कुल आता है आपका 18 रुपये आंसर। देखो कॉन्सेप्ट वही, सब कुछ वही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपसे कल कहा भी था कि मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूँगा जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन 2015 में पूछे गए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। वीडियो को आपको बस मज़े के साथ पढ़ते रहना है, बस मज़े के साथ देखते रहो, गणित आपको एकदम हलवा लगेगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है 24, अगला क्वेश्चन है 24, 80 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, ये भी पूछा गया है 2015 में, ये भी पूछा गया क्या कि 24 80 का कितने परसेंट होगा। अब आपको क्या पता है क्या, अगर आपको मेरे कल वाली क्लास अगर याद है आपको कि मैंने क्या बताया था, तो हो सकता है ये आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। कैसे, देखो यहाँ पर याद रखना आपको क्या, यहाँ पर मैंने कल एक फार्मूला बताया था आपको, क्या कौन सा फार्मूला, ऊपर लिख रहा हूँ मैं फार्मूला ऊपर लिख रहा हूँ क्या, तुलना
बटे तुलनात्मक संख्या, तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। ये मैंने कल फार्मूला आपको बताया था क्या, तुलना बटे तुलनात्मक संख्या गुणे का 100। तो हम देखेंगे हमारी तुलना कितने की हो रही है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इस टाइप का क्वेश्चन होगा, पहले तो बात करें इस वाले मार्क की, इस वाले चिन्ह की, तो हमारा इस चिन्ह को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है वहाँ पर थोड़ा रुकना है। 24 रुक गए थोड़ा, अब पढ़ेंगे 24। 80 का कितने परसेंट है, क्या 24 80 का कितने परसेंट है, अगर इस टाइप का सवाल पढ़ के लगे तो समझ जाओ ये फार्मूला लगेगा। अब फार्मूला कैसे लगाएंगे, जहाँ पर तुलना लिखे वहाँ पर छोटी संख्या लिखनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब दो संख्याएँ दी होंगी तो एक तो छोटी होगी एक बड़ी होगी, तो आपको छोटी वाली संख्या को तुलना के स्थान पर रखना है, बड़ी वाली संख्या को तुलनात्मक संख्या के स्थान पर रखना है, गुणे का 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। कैसे, 24 तुलना छोटी है 80 से, तो तुलना के स्थान पर रखेंगे 24 बटे 80, तुलनात्मक संख्या के रखेंगे क्योंकि बड़ी है, तो 80 गुणे का कितना हो जाएगा 100, 0 कट गया। अब क्या करेंगे, 8 + 8 = 24, 10 × 3 = 30, और बताना क्या था प्रतिशत, तो प्रतिशत हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम देखते हैं कि मेरा इतना आंसर आ रहा है, तो देखते हैं हमारा, जी बिल्कुल हमारा 30% आंसर आ रहा है। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो 2015 और 2011 दो बार रिपीट हो चुका है, तो हो सकता है इस बार भी आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 240 लीटर का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन है 2015 और 2011 में पूछा जा चुका है, क्या 240 लीटर का 10% कितना होगा। लगाएंगे का मतलब गुणा, 240 का मतलब 240 लीटर और 10 का मतलब 10, प्रतिशत का मतलब बटे का 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 24 एकम 24 लीटर। देखो आपको पता है, आप कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर चुके हैं, तो आपको पता है का मतलब गुणा, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। तो मैंने क्या किया, का के स्थान पर क्या लगा दिया, गुणा, और आंसर मेरा आ गया कितना, 24 लीटर। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 350 का 10% कितना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 350 का 10% कितना होगा, 350 का 10% कितना होगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको बता दिया। जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 350 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, 350 का 10% कितना होगा। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है, का मतलब गुणा, 350 का मतलब 350, 10 का मतलब 10, प्रतिशत का मतलब बटे का 100। इतने में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको बता रखा का मतलब गुणा, प्रतिशत का मतलब बटे 100। बस भैया इतना ही तो किए हैं, बाकी तो मैंने अपने पास से तो कुछ किया नहीं है। तो 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, 35% ये हो गया मेरा आंसर। देखते हैं मेरा आंसर सही है, जी बिल्कुल सही है, मेरा आंसर एकदम करेक्ट है। ये मेरे प्रतिशत एकदम चैप्टर क्लियर हो गया। प्रतिशत से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो इतने ही क्वेश्चन पूछेंगे। अब एक बार रिपीट कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत भिन्न में वे कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, और किसी चीज़ का कितने परसेंट है वो कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने सॉल्व किया, पढ़ा, और हमने जो पिछले साल इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी सॉल्व किया। अगर अब आप क्वेश्चन लगाते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं लगता है, तो आप उसका कमेंट में क्वेश्चन को भेज देना, सेंड कर देना, वहाँ से आपको मेरे द्वारा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं आप, जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ें,
चलिए हम लोग अब बात करते हैं डेसिमल की, जो कि डेसिमल होता है हमारा, ये बहुत ही डिमांडेड टॉपिक है, क्योंकि कमेंट्स में बहुत बच्चे हमसे कहे कि सर हमको डेसिमल का एलसीएम और एचसीएफ बता दीजिए। तो चलिए आज बेसिक समझते हैं दशमलव का लाशा माशा। दशमलव का लाशा और माशा, देखो आज तो हम केवल लाशा पढ़ेंगे, दशमलव का लाशा माशा पढ़ेंगे, कल पढ़ भी सकते हैं लेकिन वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो जितना हम पढ़ें उतना कि जितना हमको याद हो जाए, क्योंकि पढ़ने की भी एक लिमिट होती है। अब आप प्रॉपर 12 घंटे पढ़ाई करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आप उतनी देर पढ़िए जितनी देर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट हो या जितनी देर आपको पढ़ाई में मज़ा आए। अगर पढ़ाई में आप मज़ा नहीं लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, दिमाग भर जाएगा, इसीलिए आपको पढ़ाई को एकदम मज़े के साथ पढ़ते रहे। अच्छा, पढ़ने का सही तरीका पता है क्या आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, हमेशा बैठ कर पढ़ना चाहिए, टेबल और कुर्सी के साथ बैठ कर पढ़ना चाहिए, और आपके पास एक पानी की बोतल रखी हो, पानी की बोतल आपके पास एक रखी हो, आप एक क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं तो उसके बाद कम से कम आपको एक घूंट पानी पीना, इससे क्या होता है आपको जो गला होता है वो सूखेगा नहीं और प्रॉपर आपको हर चीज़ याद होती चली जाएगी। ये होता है पढ़ने का एक तरीका जो कि साइंस में है। देखो कम से कम तो आपको दिन में 4 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, 4 घंटे तो आपको बिल्कुल ही पढ़ना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें 4 घंटे का टाइम नहीं मिलता, अरे तो भैया डे नाइट मिला के 4 घंटे को पूरे कर लो। मैं जब पढ़ सकता हूँ 4 घंटे 8 घंटे तब आप क्यों नहीं पढ़ सकते हैं 4 घंटे? अगर आप 4 घंटे नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी सफलता मिलेगी, अदरवाइज सफलता नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं हमारे दशमलव संख्याओं का लाशा और माशा, ये होता क्या है। अच्छा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं हमारा लाशा और माशा होता क्या है। देखिए बात करें बच्चा हम लाशा की, देखो तो हम एकदम छोटी सी परिभाषा बताएंगे, उसके बाद जब लाशा माशा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। लाशा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, और माशा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे। लाशा माशा पहचानने की ट्रिक, छोटी से छोटी क्वेश्चन में आएगा तो समझ जाना लाशा, अगर बड़ी से बड़ी आएगा तो समझ जाना माशा, ऐसे हम इसको पहचानते हैं। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कह दिया 0.60, 0.70 और 0.50। मैंने कहा 0.760, 0.70, 0.50 का लाशा निकालो, तब आप लाशा कैसे निकालोगे, आप इसका लाशा कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है, देखो बहुत अच्छे से समझना है, करना कुछ नहीं, क्या करना, दशमलव को भूल जाना है। अगर दशमलव को भूल जाओगे तो मेरी संख्या क्या बचेगी? 60। यहाँ कितनी बचेगी? 70। यहाँ बचेगी 50। यहाँ बचेगी 60, 70 और 50। देखो करना क्या है हमको, यहाँ हमने क्या किया, दशमलव को हम भूल गए कि हमारे पास दशमलव था भाई, 0.60 था, 0.70 था, 0.50 था, तो सबसे पहला काम दशमलव भूल जाना है कि यहाँ पर दशमलव है, हम दशमलव भूल गए, हमारे पास संख्या क्या बची? 60, 70 और 50 बची कि नहीं बची। अब 60, 70, 50 का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। अब आप पढ़ रखे होंगे या नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाऊँगा कि एलसीएम निकालने की 2 विधियाँ, क्योंकि डिमांड किया था कुछ लोगों ने, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। अभी आता है चैप्टर, अभी आगे हम पढ़ाते, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने कहा सर हमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो से बना देते हैं, नहीं तो हम पूरा आपको चैप्टर पढ़ाते, अभी पूरा चैप्टर पढ़ाते, लेकिन चलिए ठीक अभी सॉल्व करते हैं। देखो अब इसको लाशा निकालेंगे, लाशा निकालने के लिए क्या आपके पास 2 विधियाँ होती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम लोग प्रयोग करेंगे अपनी गुणनखंड विधि का। तो कैसे, सब सम है, 10 से कट जाएंगी बिल्कुल, 10 का 60, 10 6 70, 10 5 50। अब 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 7 कटेगा नहीं, 5 कटेगा नहीं, 7 को 7 से काटेंगे, 7 1 7, 5 को 5 से काट देंगे तो 5 1 5, ये मेरा सब 1 1 आ गया। अब हमको जितनी संख्याएं बनी हैं इनको गुणनखंड क्या किया, अब हमको करना क्या है, हम देखेंगे कि ये मेरी संख्याएं कट गई, अब जितने गुणनखंड आए हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तभी तो मेरा एलसीएम प्राप्त होगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 10 6 का हो गया 60, और 60 सते नहीं पता है तो कर लेंगे गुणा,
क्योंकि 60 का पहाड़ा तो नहीं पता होगा, 7 × 0 = 7 × 42 कितना हो गया 420। अब 420 को किससे गुणा करना है, 5 से, तो 420 पंचे मेरा होगा 5 × 0 = 0, 5 × 10 = 11, 5 × 10 = 0 हासिल है 1, 5 × 20 = 31 कितना आ गया 5 × 0 = 0, 5 × 10 = 0 हासिल आ गया 1, 5 × 20 = 21 तो ये मेरा हो गया एलसीएम कितना आ गया 21,000 यानी 2100। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमको डेसिमल दशमलव में बताना है। तब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर दशमलव दो दो अंक पहले लगे है, लगा है कि नहीं लगा, सभी अंकों में देखो दशमलव दो दो अंक पहले लगा कि नहीं, भाई एक दो एक दो एक दो 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 अंक पहले लगा है, तो आंसर में भी दशमलव दो अंक पहले लगा दो, यहाँ पर ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया, ये हो गया मेरा आंसर, 2.100 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से हम लोग लगाते हैं दशमलव का, लाशा और माशानी, डेसी मलका, एलसीएम और एससीएम। अब एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे कल डिस्कस करेंगे कि जो मेरा लाशा माशा निकलता है डेसिमल का, वो और कैसे निकल सकता है। और आप लोगों को जिस टॉपिक पर एकदम बहुत कम आपको प्रॉब्लम होगी, उस टॉपिक को आप कमेंट में लिख देना, वहाँ से मैं आपको जिस पर सबसे ज़्यादा मत होंगे यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाएगा, जैसे मैं दशमलव का था तो दशमलव दो तीन लोगों चार पांच लोगों ने कहा था कैसा डेसिमल डेसिमल डेसिमल, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया। वैसे जो चार या पांच लोग पूछेंगे जिस टॉपिक को, उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। तो देखते हैं हमारा जो अगला एग्जांपल है, दशमलव सात, दशमलव दो एक, सॉरी दशमलव दो एक नहीं, चलिए दशमलव आठ हो गया, दशमलव आठ और दशमलव नौ जीरो, कितना दशमलव सात दशमलव आठ दशमलव नौ जीरो। अब क्या करेंगे, पहला काम दशमलव हटाएंगे, संख्या ऐसे बनेंगी 7, 8 और 90। अब करना क्या है, देखो यहाँ बहुत सहनशीलता से आपको इसको समझना है, कैसे यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ दशमलव के बाद दो संख्याएं, तब कैसे काम बनेगा जी। यहाँ पर भी हम दशमलव एक जीरो लगा लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितने भी जीरो लगाएं ये दशमलव का रूल होता है, तो हमने यहाँ पर एक जीरो अपने आप से लगा लिया। अभी यहाँ पर तीन संख्याएं होती तो हम दो दो जीरो लगा लेते, चार होती तो कितने भी जीरो लगा लो आप, लेकिन बस दशमलव पहले लगा होना चाहिए, बस इतना समझ में आया। मैंने यहाँ क्या किया, 70 हो गया, 80 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ऊपर तो मैंने जीरो बढ़ा लिया। अब क्या करना, 70 80 और 90 का क्या निकाल लेंगे हम लोग, लाशा, चलिए लाशा निकालते हैं। सभी संख्याएं जीरो है, सब में 10 से कट जाएंगे, 10 सत्तर 70, 10 अट्ठे 80, 10 नवाई 90। अब इसको अपने आप से काट देंगे, 7 × 7 8 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 8 को 8 से काट देंगे, 8 × 8 9, 9 से कट जाएगा, तो 9 × 9 = 9। अब मैंने क्या किया, सभी को काट दिया, मेरे पास गुणनखंड प्राप्त हुआ 10 × 7 = 8 = 9। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 10 × 7 = 70 और 70 अट्ठे कितना होता है 8 × 56 560, 560 नवैया कितना होता, तो हम उसको गुणा कर लेंगे, 560 × 9 9 × 0 = 0 और 9 × 6 = 9 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27 9 × 4 = 36 9 × 5 = 27 9 × 6 = 54। इस तरह आपको पढ़ लेना है, मैं तो ऐसे कर सकता हूँ लेकिन पढ़ लेना है आपको, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 54 का 4 हासिल आया, 5 × 9 = 45 45 × 5 कितना हो जाएगा 50 45 × 5 = 50। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 50 और 40। अब यहाँ पर हम लोग आंसर देखेंगे, मेरा आंसर क्या है, तो जितने अंक पहले दशमलव लगा है उतने अंक पहले लगा दो, यहाँ पर दो अंक पहले, यहाँ पर दो अंक पहले, यहाँ पर दो अंक पहले, तो पीछे से एक और दो अंक पहले दशमलव लगा दो, 50.40 हो जाएगा मेरा आंसर। तो इतना होता है डेसिमल में दशमलव का एलसीएम एलसीएम निकालना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।